आज है 74वां गणतंत्र दिवस और हमारे साथ एक ऐसी ही खुशखबरी लेकर हम आए हैं सुभद्रा देवी जी, जिन्हें मिला है पद्मश्री और जिन्हें कहा जाता है मदर ऑफ पेपर मिसी। तो आइए इनसे आज जानेंगे इनकी कहानी और कैसे इन्होंने अपने आर्ट को इतना आगे बढ़ाया और आज इन्हें इतना बड़ा पुरस्कार मिला है भारत सरकार द्वारा। तो आप बताइए, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा, बहुत भाग्य की बात है, हमको भाग्य में खुशी का दिन आ गया। बहुत सालों की मेहनत है आपकी इसके पीछे। हाँ, हमको उम्मीद नहीं था जो ये पद्मश्री मिलेगी। ये आपने पेपर मेसी से बनाया है? हाँ। कैसे बनाया, थोड़ा सा बताएंगे हमें? कैसे बनाते हैं पेपर मेसी से बताइए, कैसे बनाते हैं? पेपर मेसी को पानी में गला देते हैं और कूट के, और उसमें मेथी, फेविकोल, मुल्तानी मिट्टी ये सब मिला के फिर उसे ऐसे से बनाते रहते हैं। ये पेन स्टैंड है। अब सामान तो बहुत रंगे, इतना सामान है ऊपर में। तो कितने सालों से आप इस कला को करती आ रही हैं? More than 50 years. तो आपको आज भी अच्छा लगता है इस कला को करना? ये कला का बहुत हम प्रेमी बच्चे से थी, बच्चे से हमारे गांव में मायके में देखते थे बनाते हुए। वो पर्व होता था सामा चकेवा, ये सब कपड़ा का गुड़िया पेंटिंग, ब्याह शादी में पेंटिंग होता था दीवार सब में, तो देखते रहते थे जे ये ऐसे करती है ऐसे करती है, वही दिमाग में आया तो करने लगे। ये जो अभी चित्र आपने हमें बनाकर दिखाया था, हाँ, तो ये आप कब से बनाती आ रही, इसको क्या कहते हैं? ये हम लोग को शादी ब्याह में होता है ना, ये हाथी पर में गौरी पूजा होता है, शादी होता है तो गौरी पूजा ईश्वर में, और ये जानक डाला इतना बड़ा रहता है, वो हुआ ये हुआ तो शादी में लगता है। शादी में ये जो गुड़िया है तो शाम को जिस दिन शादी होता है ना, दूल्हा आता है तो कोबर घर में ये इधर पेंटिंग रहते चारों तरफ, प्रगति मैदान में है वो, हमारे संबंधी थे गंगा देवी है, गंगा देवी वही वो है, वो विधि वाला उसी का प्रगति मैदान में है, तो ये वही बनाते यहाँ यहाँ चारों। तो दूल्हा जो शादी करने आता तो घुमा घुमा के दिखाते थे, उसके बाद दुल्हन बैठा वही सब अपना मैके में देखे थे, वही परंपरा आ रहा है। हम ये नहीं नया पर नहीं, अब जो कुछ हो रहा है तो नया पर के हम जो बनाए हैं सब परंपरा। ये थी इनकी कहानी कि कैसे इन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया। जानेंगे इनके बेटे से कि कैसे उन्होंने अपनी माँ का साथ दिया इस पूरी कड़ी मेहनत में। तो आशीष जी, आप बताइए कि कितने सालों से ये इस कला को करती आ रही है, कैसे आगे बढ़ाया? आगे जो बढ़ाया तो ये तो छोटा था। हाँ, माँ बिल्कुल सही बोल रही है, मैं, तो, जब मैं पैदा हुआ तो पहले से बात कर रही है और मैंने अपने आंखों के सामने देखा ये सब कुछ, तो बोला तो इनको आगे बढ़ाइए। मैं अपने आंखों के सामने देखा हूँ ये सब बनते हुए, तो मुझे भी आता है। और माँ पहले परंपरा को लेके बढ़ रही थी, आठवीं जमाती थी, अब तो मैंने हम और माँ ने माने मिलकर ना इसमें थोड़ा सा चेंज लाया, ठीक है, क्योंकि आजकल के जितना भी डिमांड होती है ना, जैसे डस्ट पेपर बॉक्स हो गया, डस्टबिन हो गया, पेन स्टैंड हो गया, ज्वेलरी हो गई, और मिरर हो गए, लूडो हो गए, गेम्स हो गए, तो हम लोगों ने मैं माँ के मिलकर हम लोगों ने ये अच्छी शुरुआत की, और इसको हमने बहुत ही अच्छी मार्केटिंग भी की माँ के साथ में। माँ के साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गया मैं, डिफरेंट सिटी गया, ठीक है, माँ तो विदेश भी गई, मैंने गया हूँ माँ तो गई। और जब ये आपको पता चला कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, बहुत खुशी का माहौल रहा होगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि खुशी को नहीं संभल रही है? बिल्कुल संभल नहीं रही है, सही शब्द नहीं है हमारे पास में, स्पीचलेस है हम लोग, ठीक है, लेकिन अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सुभद्रा देवी के हम लोग फैमिली हैं या मेरी माँ है, ठीक है, तो ये एक प्राउड ऐसा फील हो रहा है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग खुशी कितनी है। मैम आप बताइए, बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का, बड़ी खुशी का मौका है, बहुत बड़ा त्योहार है मेरे यहाँ अगर हम कहें तो, ये तो है ही, हम लोग सब बहुत खुश है और सब माँ का मेहनत है जो आज हम लोग इतने खुश है। बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छा सा लग रहा है, बहुत खुशी है, सब लोग
बहुत खुश है पूरा परिवार, माँ, मेरी माँ खुश है, बहुत खुश है, तो हम लोग बहुत खुश है, पूरा घर ऐसा लग रहा है बिल्कुल खुशी खुशी से भरा हुआ है। ये कला जो है हमको परंपरा है, अभी हमारे परंपरा से लोग भी पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने वाले माँ के पास में, तब तो पूरा घर भर जाएगा। ठीक है, आज तो भैया जश्न होगा हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं कैसे पूरा परिवार खुशी खुश है, चारों तरफ खुशी का माहौल है, और इतनी बड़ी खुशी को कैसे मनाया जा रहा है। अमेरिका से हमारे बहन का बेटा फोन किया था, मुंशी कमिश्नर है हमारे बहन के बेटा। ये खुशी है जो हम देख सकते हैं जब पूरी मेहनत सफल होने के बाद आई है, और जो इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है वो एक त्योहार से कम नहीं है। बिल्कुल,